देखिए, बाढ़ बारिश नहीं आसमानी बिजली की वजह से भी लोगों की जान खतरे में नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान बिजली गिरने से यूपी और बिहार में कुल 28 लोगों की जान चली गई है। कड़कड़ाती बिजली ने बिहार में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बिहार के 8 जिलों में अब तक बिजली गिरने की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई है और प्रयागराज में 8 लोगों की जान गई है। आसमान से बरस रही आफत के बीच दिल को दहला देने वाली बिजली की कड़क, तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश के बीच चमकती हुई मौत जमीन पर उतरी और बिहार के कई राज्यों में जमकर तबाही मचाई। बिहार के 8 जिलों में 20 लोगों की मौत हो गई। कैमूर में 7 लोगों की मौत, भोजपुर में 4 लोगों की मौत, जहानाबाद में 1, रोहतास में 1, पटना में 4, औरंगाबाद में 1, अरवल में 1 और सिवान में 1 शख्स की मौत हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। हम चाहते हैं कि परिवार में कुछ पैसे पहुंच जाएं, कुछ रुपए चले जाएं, जो उनका कुछ काम हो जाए। बाकी मैं भी कहना चाहूंगा कि लोग इस समय ऐसा बरसात का समय है, लोग बचें, बाहर निकलने से बचें। चमकती आसमानी आफत से यूपी में भी तबाही मची हुई है। पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि झुलसने की वजह से करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सिर्फ प्रयागराज में 3 लोगों की मौत हुई है। ये दोनों महिलाएं यहाँ अपने खेतों में धान की रोपाई करने के लिए गई थी, सूचना प्राप्त हुई है, हम लोग मौके पर हैं। आसमान से उतरी मौत ने यूपी के हंडाई थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं की जान ले ली। जिस वक्त मौत बनकर बिजली उतरी, उस वक्त दोनों महिलाएं खेतों में काम कर रही थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।